कैसे हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे और कैसे हमारा प्रेजेंटेशन जो है स्लाइड शो के थ्रू दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने पावर पॉइंट टॉपिक में यही आज लाइव एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। ओके तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स की पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। तो हमने पावर पॉइंट को यहाँ से ओपन कर लिया। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ वर्क एरिया है, ठीक है। तो यहाँ वर्क एरिया पे आप काफ़ी डेकोरेशन डाल सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो हमें ऐसा 3-4 ऐसे स्लाइड्स ऐड करने हैं। इसे क्या कहेंगे हम स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये है स्लाइड्स। ओके आप ध्यान से देखेंगे ये स्लाइड्स होता है। अगर हमें इसे एक और स्लाइड्स ऐड करना है तो हमें यहाँ भी क्लिक करके कर सकते हैं कि हमें न्यू स्लाइड चाहिए, या फिर आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी न्यू स्लाइड्स का ऑप्शन दिया हुआ है। ओके तो फिर मैं ये वर्क एरिया में कुछ ऐसा क्रिएट कर लेती हूँ जिससे कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है काफ़ी यूनिक लगे। तो पहले कर सकती हूँ या कोई फोटोज़ वगैरह डाल के प्रेजेंटेशन को यूनिक बना सकती हूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ इमेज डाल लेती हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आप सभी देख सके अच्छे से कि हाँ स्लाइड्स हमारा कैसे रन कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर लिया है। तो इंसर्ट करने के बाद ये हमारा वर्क एरिया पे कवर हो गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत इसमें डेकोरेशन कर लेती हूँ। डेकोरेशन करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा डाल दूँ डिज़ाइन वगैरह, तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि पिक्चर शेप्स है, पिक्चर बॉर्डर है, पिक्चर इफेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो वन बाई वन मैं ये भी करके आपको शो कर देती हूँ। ये देखिए पिक्चर, अगर शेप डालने हैं आपको तो इसमें से कोई भी शेप आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल में देके बता दे रही हूँ कि कैसा ये इमेज होगा। ये मैंने इस शेप में यूज़ किया, तो ये स्टूडेंट्स देखिए किस तरह से चेंज हो गया है। एंड अब पिक्चर बॉर्डर देख लेते हैं कि पिक्चर बॉर्डर पे कलर जो है कि यूनिक हो सकता है, आप जैसा कलर चाहेंगे वैसा हो सकता है। आप देख सकते हैं कि कलर जो है यूनिक होते जा रहा है, चेंज हो रहा है वहाँ पे। देखिए मैंने येलो किया तो येलो हो गया, तो मैं इसे दिखाई देने के लिए येलो कलर में ही कर देती हूँ स्टूडेंट्स। ओके देन आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर इफेक्ट, यानी कि आप जो शैडो वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी यूनिक इसमें है। देखिए आप अगर ऐसे शैडो करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, तो काफ़ी यूनिक हो सकता है स्टूडेंट्स। मैंने इसे एक क्लिक कर दिया है। तो ये हमारा हो गया कि मैंने एक पिक्चर इंसर्ट कर लिया स्टूडेंट्स। अब मैं चाहती हूँ इस पर कुछ डिज़ाइन कवर करना, ठीक है। डिज़ाइन कवर करने के लिए आप इस यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी डिज़ाइन स्लेट्स पड़े हुए हैं, इसमें से कोई भी एक डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैंने एक पिक्चर इंसर्ट कर दिया है, इसके वजह से वो डिज़ाइन आपको नहीं दिखाई देगा। तो अगर हम कुछ नोट्स करते हैं या कुछ नोटिस वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये डिज़ाइन दे सकते हैं जो अपर में साइड में आपको दिख रहा है, यानी कि डिज़ाइन टैब्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं एनिमेशन। एनिमेशन पे आप देख सकते हैं जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो काफ़ी यहाँ पे डिज़ाइन दे रहा है कि जैसे मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा तो वो किस स्टार्ट में, मतलब किस स्टाइल से स्टार्ट होगा आप देख सकते हैं। फिर मैं जब इस पर प्रेजेंटेशन पे करती हूँ तो ये ऐसे ओपन होगा, इस पर करती हूँ तो ये ऐसे ओपन होता है। स्टूडेंट्स आप मेरे एरो को यहाँ ध्यान से देखेंगे, मैं एरो कहाँ कहाँ पुट कर रही हूँ, तो ये डिज़ाइन जो है ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं खुद से। तो हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि ये मेरा डिज़ाइन किस तरह से अच्छा लगेगा। तो मान लीजिए मैंने इसको चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि साउंड्स, अगर आप साउंड चाहते हैं तो यहाँ से साउंड भी क्लिक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से साउंड भी डाल सकते हैं आप। कई तरह के साउंड्स दिए हुए हैं। अब मैं आपको दिखा दूँ कि फास्ट, ये जो डिज़ाइन हो रहा है स्टूडेंट्स, ये फास्ट चाहते हैं, स्लो चाहते हैं या मीडियम चाहते हैं। तो मैं स्लो चाहती हूँ तो मैंने स्लो कर दिया, ठीक है। देखिए स्लो हो रहा है, अगर मैं फास्ट कर देती हूँ तो ये फास्ट होगा, आप देखना, देखो ये फास्ट हुआ। अब मीडियम करना चाहती हूँ तो ये मीडियम में हो जाएगा, है ना। तो हम इसे स्लो करते हैं। ओके ये मैंने डेकोरेशन कर लिया। अब स्लाइड शो में जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कि आपका पॉइंट है स्लाइड शो, अब चाहते हो कि इसे मैं स्लाइड शो करके देखूँ फुल स्क्रीन में कि कैसा मेरा ये फर्स्ट प्रेजेंटेशन कैसा बना है। ओके तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ, आप देखना ये फुल स्क्रीन, मेरा लैपटॉप का फुल स्क्रीन ये दिखाई दे रहा है। आप स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, आपका वो फिर से प्रेजेंटेशन वापस आ जाएगा।
तो ये आपने देख लिया स्टूडेंट्स कि मैंने कैसे किया। ओके, अब मैं देखती हूँ फॉर्मेट में क्या है। तो फॉर्मेट में ये सारे डिज़ाइन थे जो मैंने इस पर कवर किए थे। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए कि हमें एक न्यू स्लाइड चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ न्यू स्लाइड्स पे मैं क्लिक करती हूँ, तो यहाँ से न्यू स्लाइड्स जो है आप कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मुझे इंसर्ट करना है ये ब्लैंक। ओके, या फिर ये डबल वाला भी कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, डबल भी है या सिंगल, यहाँ भी मैंने ये इंसर्ट किया। तो ये जो इंसर्ट यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये मेरा सेव हो चुका है प्रेजेंटेशन, यानी ये फर्स्ट प्रेजेंटेशन है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है। अब मैं सेकंड पेज पे भी कुछ इंसर्ट करना चाहती हूँ। मान लीजिए यहाँ मैंने कुछ लिखा, मैंने यहाँ कंप्यूटर लिखा है स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ चाहती हूँ कि कुछ इमेज इंसर्ट कर लूँ। ओके, तो इमेज इंसर्ट करने के लिए देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में जाके तो आप यहाँ से कोई भी पिक्चर आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने पेंगुइन का ले ही लिया है, अब मैं ये ट्यूलिप का ले लेती हूँ और इसे इंसर्ट कर लेती हूँ। तो ये इंसर्ट हो गया उतने ही स्पेस में। तो ये मेरा सेकंड स्लाइड है। अब मैं इस पे इसके बॉर्डर भी दे देती हूँ पिक्चर के। तो ये बॉर्डर मैंने सेट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि डिज़ाइन दे दूँ पेज पे, क्योंकि ये जो ब्लैंक पेज है ये वाइट वाइट दिख रहा है ना स्टूडेंट्स। तो मैं इस पे भी चाहती हूँ कि कुछ डेकोरेशन कर दूँ। तो मैं कौन सा डेकोरेशन करूँ, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे होगा। तो ठीक है, मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर ली। ओके, ये भी डन हो चुका है, यानी कि सेकेंड स्लाइड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेकेंड स्लाइड्स भी मेरा रेडी हो गया है। तो अब मैं इस पे और डिज़ाइन डालना चाहूँगी, यानी एनिमेशन। एनिमेशन जो है ये जो हम लोगों ने किया था फर्स्ट में, तो ये एक स्टाइल तो हमने डाल लिया है। फिर मैं चाहती हूँ कि ये कर लूँ, ये थोड़ा सा और यूनिक लगेगा। इसे भी मैं ये भी आप देख सकते हैं, ये भी फास्ट हो चुका है। इसको मैं स्लो कर देती हूँ। अगर इसमें भी आप साउंड चाहते हो तो ये भी साउंड हो सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ इसे कि आप अच्छे से देखें अपने फुल स्क्रीन में कि ये प्रेजेंटेशन जो मैंने टू स्लाइड्स का रेडी किया है ये कैसा लग रहा है देखने में। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग स्लाइड शो में आएंगे, स्लाइड शो टैब में आएंगे, जहाँ पे हमारा दिखाई दे रहा है फ्रॉम बिगनिंग, यानी कि हमारा शुरू से ये स्लाइड्स चलने की कोशिश करेगा। मैं एक बार ट्राई करती हूँ, ये देखिए मैंने इसको ट्राई किया तो ये मेरे फुल स्क्रीन में भी कितना अच्छा लग रहा है प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ध्यान से कि प्रेजेंटेशन कितना अच्छा लग रहा है और यूनिक लग रहा है। तो इसे मैं बैक आ गई हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि और थर्ड फोर्थ ऐसे ही कई सारे आप स्लाइड्स इसमें ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और काफ़ी उसमें डेकोरेशन आप कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन आपका स्टूडेंट्स ऐसे ही बनता है। अगर आप चाहते हैं और भी इसमें स्लाइड्स जोड़ना, तो एटलीस्ट 27 आप स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं और डिजाइनेबल बना सकते हैं। ओके, अपने बुक में भी स्टूडेंट्स बहुत बार ये रिपीट वर्ड हुआ है कि लेआउट क्या होता है। तो लेआउट मैं आपको बता दूं कि जहाँ मैंने ये वर्क प्लेस चूज किया था वहाँ से लेआउट होता है। ठीक है, मैंने देखिए इसको क्लिक किया तो यहाँ पे जो भी आपको पेज चाहिए, जिस स्टाइल में चाहिए, तो आप उस पेज को कवर कर सकते हैं। इसे ही हम लोग लेआउट कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सेकेंड स्टेप है स्टूडेंट्स नॉर्मल व्यू, यानी व्यू के बारे में जो प्रेजेंटेशन आता है, व्यू में जो हम जानते हैं उसे बताते हैं कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, तो फर्स्ट है आपका नॉर्मल व्यू। तो आप यहाँ कंप्यूटर पे देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल व्यू दिखाई दे रहा है, स्लाइड सॉर्टर दिखाई दे रहा है, नोट पेज दिखाई दे रहा है, स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर, काफ़ी यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देख सकते हैं कलर दिया हुआ है कि कलर भी आप चूज कर सकते हैं, ग्रे स्केल्स दिया हुआ है, प्योर ब्लैक एंड वाइट स्केल्स दिया हुआ है, अरेंज ऑल यानी अरेंज करने के लिए कह रहा है कि आप अपने प्रेजेंटेशन को अरेंज कर सकते हैं, मतलब यहाँ से। ओके, अब हम ये जानते हैं कि नॉर्मल स्लाइड सॉर्टर और नोट पेज स्लाइड शो क्या है मेरा। ओके, तो हम लोग पहले नॉर्मल का यूज़ जानते हैं कि नॉर्मल के यूज़ से क्या कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नॉर्मल व्यू का मतलब ये हुआ है कि आप जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं, ये जो क्रिएट किए हैं और ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये अभी नॉर्मल है। ओके, नॉर्मल व्यू में आप देख रहे हैं इसे, क्योंकि आप वन बाई वन पे जो पेज स्लाइड्स ले रहे हैं उसे डेकोरेट कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, अभी आपका नॉर्मल व्यू में दिखाई दे रहा है, यानी कि जो स्क्रीन पे आप मेरे देख सकते हैं ये अभी क्या है, आपका स्क्रीन नॉर्मल व्यू में है, क्योंकि अभी मैंने प्रेजेंटेशन क्रिएट
क्रिएट कर रही हूँ, ना कि मैं इसे अभी शो अप करना चाहती हूँ। तो उसका भी एक अलग पॉइंट है जो कि स्लाइड शो है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम जानेंगे स्लाइड सॉर्टर। ये स्लाइड सॉर्टर क्या है? स्लाइड सॉर्टर स्टूडेंट्स है कि आप अगर ये जो नॉर्मल व्यू देख रहे हैं, तो आपके कोई भी स्लाइड्स अगर ऊपर नीचे हो गए, यानी मान लीजिए पेज फर्स्ट आपने डेकोरेट किया, ये अब सेकंड पेज में हो गया, तो आप इसे रीअरेंज करेंगे। ओके, तो आप जब स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपका जो पैटर्न है यहाँ पे इस टाइप में दिखाई देने लगेगा, जिसे आप रीअरेंज कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं कि ये स्लाइड्स यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए। तो फिर कभी मूड चेंज रहता है कि नहीं, ये थर्ड वाला स्लाइड फर्स्ट में होना चाहिए, फर्स्ट स्लाइड थर्ड में होना चाहिए, मतलब इस तरह से आप रीअरेंजिंग यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर में कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम नॉर्मल पे चले आते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोट पेज स्टूडेंट्स। तो नोट पेज पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो ये हमारा ऐसे शो करेगा फर्स्ट या सेकेंड स्लाइड्स, क्योंकि जिस प्रेजेंटेशन पे आप कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं या फिर कुछ डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप नोट पेज का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप इसके बारे में, यानी ये फिगर जिस कारण भी लिए होंगे या फिर इसके बारे में आप कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ क्लिक करके नोट कर सकते हैं, इसलिए इसका नोट पेज कहा गया है। आप हर एक स्लाइड्स पे एक एक डिफिनेशन लिखना चाहते हैं, तो आप नोट पेज का यूज करेंगे, ताकि हर एक फिगर पे आप नोट्स तैयार कर सकें। तो ये प्रेजेंटेशन में भी काफी हेल्प आता है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है स्लाइड शो। तो स्लाइड शो में हमारे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कितने स्लाइड्स इकट्ठे कर लिए हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 1, 2, 3, 4 स्लाइड्स मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए है। अब हम इसे यहाँ पे देखिए, टाइम भी सेट करना चाहे तो यहाँ से टाइम सेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कि कितने मिनट्स में हमारा स्लाइड जो है नेक्स्ट स्लाइड्स होते रहे। ठीक है, तो हम ऑन माउस नहीं, ऑन माउस यानी कि जब जब आप माउस क्लिक करेंगे तभी प्रेजेंटेशन आपका आगे बढ़ेगा, तो ये नहीं हम ऑटोमेटिकली चाहते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक हमारा प्रेजेंटेशन जो है शो अप करे, और मिनट्स और सेकेंड्स भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे आपको दिखाना चाहूँगी। तो ये हमने जो है टाइम सेट कर लिया है हर एक स्लाइड्स पे, कि कितने कितने मिनट्स पे हमारा स्लाइड्स जो है चलते रहे। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें प्रेजेंटेशन को शो करना है फुल स्क्रीन में, तो पहले हम इसमें साउंड्स, टाइम, ऑटोमेटिक, ये सब भी सेटअप करना होता है। ठीक है, तो हम ये भी चीज़ आपको बता दें कि कैसे आप टाइम को सेट करेंगे, कैसे आप ऑटोमेटिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक भी है और एक माउस क्लिक भी है। तो अगर माउस क्लिक ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, तो बार बार आपको एक एक प्रेजेंटेशन पे माउस क्लिक करना पड़ेगा, और ऑटोमेटिक करते हैं तो ये आपका ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन एंड हो जाएगा, यानी शुरू से एंड आपका मिनट सेकेंड्स पे दिखाते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे स्लो, मीडियम, फास्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप साउंड्स के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, साउंड्स इसमें से कोई भी साउंड, हर एक स्लाइड पे आपको साउंड चूज करना है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर, इसमें भी ये भी एनिमेशन डाल सकते हैं, देन उसके बाद ही आप अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट समझेंगे। ओके, अगर आप चाहते हैं कि हर एक इमेज पे भी मैं थोड़ा बहुत डिज़ाइन कर सकूँ, तो यहाँ कस्टमाइज एनिमेशन, ठीक है, इसके बारे में मैं भी स्टूडेंट्स आपको बताऊंगी, बट अभी नहीं, अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही जानना है। तो इस स्लाइड्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम इसे फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे स्लाइड शो, यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं स्लाइड शो, स्लाइड शो पे आप जब क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, जब यहाँ स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं, तो ये आपका फुल स्क्रीन में दिखाई देगा। तो फिर हम लोग रेडी हैं स्लाइड शो को फुल स्क्रीन में देखने के लिए। ओके, देन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ये स्लाइड। आपका जब आपके कंप्यूटर सिस्टम पे वन बाई वन ऐसे चलता है। सो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये प्रेजेंटेशन? आई होप आप सभी को ये प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर इस टॉपिक में कहीं भी आपको कोई परेशानी होती है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। फाइनली आपका 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन।